हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईएस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेकर आए हैं एक वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फ्लो। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी, कुछ कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने इसके बारे में जानकारी मांगी थी, तो उसी के रिगार्डिंग हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी और फ्रेंड्स को भी किसी तरीके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देने की हर संभव कोशिश करेंगे। और जिस किसी फ्रेंड ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फ्लो, तो बहुत सारा ऐसा हमें इंक्वायरी मिलती रहती है और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी होता है कि प्रेशर एंड फ्लो एक दूसरे से कितने अलग हैं या एक दूसरे से कितने रिलेट करते हैं, उनका कोरिलेशन कैसा है, वो कैसे एक्ट करते हैं, किस तरीके से इनको समझना चाहिए। तो उसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसा ड्रॉइंग बना करके रखा है, ड्रॉइंग नंबर फर्स्ट, ड्रॉइंग सेकेंड और ये ड्रॉइंग थर्ड। तो फ्रेंड्स, इन तीन ड्राइंग्स की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो देखिए, हमने फर्स्ट ड्राइंग में जो बनाया हुआ है, हमने सीरीज में चेक वॉल लगाए हुए हैं ताकि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है, कैसे ज़्यादा प्रेशर में कैसा फ्लो हमको मिलता है या कम प्रेशर में कैसा फ्लो मिलता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड ड्राइंग में हमारा जो है पंप का डिस्चार्ज, यहाँ पर जो डिस्चार्ज का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम और ज़्यादा है, और यहाँ पर लोड के साथ किस तरीके से हमारा प्रेशर बढ़ेगा या फ्लो कम होगा, वो हम समझेंगे। और यहाँ पर हमने थर्ड ड्राइंग में एक वेंचुरी बनाई हुई है, यहाँ पर इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, फिर कम है, अगेन फिर ज़्यादा है, तो उसमें किस तरीके से फ्लो बढ़ेगा या प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा, उसके बारे में वो किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, वो हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको पूरे एक्सप्लेन करते हैं और हम यहाँ पर कुछ आपको बिल्कुल सर्टेन वैल्यू के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको सर्टन वैल्यू के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हमारा फ्लो और प्रेशर कम या ज़्यादा होते हैं एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हुए। तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट ड्राइंग में देखते हैं। फर्स्ट ड्राइंग में हमारा देखिए एक सर्किट है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पंप है, ये पंप की कैपेसिटी है 15 LPM, फुल कैपेसिटी है इसकी, मतलब ये कैपेसिटी है, ये 15 LPM फ्लो कर सकता है। फ्लो, अब देखिए यहाँ पर हम समझेंगे कि फ्लो और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो भी हमारा लिक्विड है उसको जो फ्लो, मतलब क्या है उसकी जो बहने की गति है, बहने की गति मतलब वो किस गति से बह रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस को, उस सर्टेन टाइम में कितना हमारा वॉल्यूम लिक्विड का ट्रेवल कर रहा है। जैसे उसको हम LPM में मेजर करते हैं, मीन्स कि लीटर पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में कितने लीटर फ्लो हमारा ट्रेवल कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस को, तो वो हमारा LPM में कैलकुलेट होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो हमारा लिक्विड है या फ्लूड है या हमारा ऑयल है उसके बहाव गति को बताता है ये। अब हमारा क्या जो प्रेशर है, वो प्रेशर कैसा होता है कि जब भी हमारा जो ऑयल सिस्टम में फ्लो हो रहा है, ऑयल सिस्टम में फ्लो होने के बाद अगर कहीं रिस्ट्रिक्शन आ रहा है या लोड आ रहा है, तो उस पर जो बैक प्रेशर पड़ता है, मतलब जो उस पर दबाव आता है और उसको इस ऑयल के फ्लो को, उस रेजिस्टेंस को पार करने में या जो उसके ऊपर जो लोड आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए जो भी ताकत उसके अंदर पैदा होती है, वो प्रेशर में कैलकुलेट होती है। प्रेशर में क्या है, देखिए जैसे इसका यूनिट है kg/cm², मींस कि 1 cm² का जो एरिया है उसके अंदर कितने kg लोड को, जो उसके अंदर जो दबाव बना हुआ है ऑयल का, तो पर्टिकुलर 1 cm² में कितने kg का वेट कैरी कर सकता है या कितने kg के लोड को मूवमेंट दे सकता है या कितने जो रेजिस्टेंस उसके ऊपर आ रहा है, कितने केजी रेजिस्टेंस को वो उसको पार करके आगे निकल सकता है। तो यही वहाँ पर हमें दिखाता है, जैसा कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे, अब अगर हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर लें तो जैसे ही अगर एक नॉर्मल 250 ग्राम या 1 kg का कोई वजन हाथ में लेकर के चलते हैं तो हमारी स्पीड, अगर हम चलना चालू करें तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। बट अगर हमारे ऊपर कोई 100 kg का गेहूं का बोरा अगर हमारे कंधे पर रख दे तो हमारी स्पीड बिल्कुल डल हो जाएगी, हम शायद कुछ कदम ही चलें उसके बाद हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो वो हमारा रेजिस्टेंस क्षमता हो जाती है कि हम कितना केजी वजन ले करके हम कितने स्पीड में चल पा रहे हैं। तो जो हमारी स्पीड है चलने की, वो यहाँ पर
हमारा जो फ्लोर प्रेशर में अगर उसको हम देखें तो वो हमारा एलपीएम की तरह है कि हमारी क्या स्पीड होगी, और अगर जो हमारे ऊपर जैसे जो हमारे ऊपर वेट डाला जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस है हमारा, तो हमारे ऊपर उतना लोड आ जाने के बाद जो हमारे जैसे ऊपर जैसे 100 kg का अगर लोड है तो वो हमारा जो हमारे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो हमारे कंधे के ऊपर, तो सपोज करिए वो 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी लोड है वो लोड हमारा रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद हमारी गति धीमी हो जाएगी चलने की, मतलब कि एलपीएम कम हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा वजन है 100 kg, 1 kg से 100 kg हो गया तो प्रेशर बढ़ गया और एलपीएम कम हो गया, मीन्स कि फ्लो कम हो गया। तो हम उसको इसी तरीके से इस ड्राइंग में समझने की कोशिश करते हैं, ये 15 LPM फ्लो कर रहा है, यहाँ पर ये फ्लो मीटर लगे हुए हैं, ये प्रेशर गेज है सिंबल आपको दिखा रहे हैं, और ये जो हमारे दो चेक वॉल्व है इसमें चेक वॉल्व में क्या है हमारा जो बायस स्प्रिंग है ये प्री लोडेड है 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि आपने हमारे कुछ पास्ट के वीडियोस में देखे होंगे, हमने पास्कल लॉ के बारे में बताया था कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम प्रेशर एक्ट करता है, तो जैसे ही हमारा ये देखिए यहाँ पर 5 kg का जो बायस स्प्रिंग का जो हमारा चेक वॉल्व लगा हुआ है, ये साफ यहाँ पर जो हमारा लिक्विड भरा हुआ है उसका बैक प्रेशर इस चेक वॉल्व पर भी आने के कारण 5 + 3 kg, तो यहाँ पर 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा इस चेक वॉल्व के पास। तो जैसे ही हमारा ये पंप फ्लो स्टार्ट करेगा यहाँ पर, तो 15 LPM है पर यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है, मीन जैसा कि हमने बताया था कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारा फ्लो कम होता जाता है, तो हमारा 15 LPM ये इसकी कैपेसिटी है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेजिस्टेंस है, तो अभी क्या है उसको यहाँ पर जो हमारा ऑयल का जो फ्लो हो रहा है उसको ताकत लगेगी इतने रेजिस्टेंस को धकेल करके आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पर ताकत लगने के कारण इसकी स्पीड कम हो जाएगी, बहने की गति कम हो जाएगी, तो यहाँ 4 से 5 LPM ही रह जाएगी। अब जैसे यहाँ से ये चेक वॉल्व क्रॉस करेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 3 kg तो यहाँ पर कम हो गया, अब सिर्फ इस चेक वॉल्व का बैक प्रेशर यहाँ पर इतने सर्टन पॉइंट पर रहेगा, तो सर्टन पॉइंट पर रहेगा तो यहाँ पर 5 kg जो ये चेक वॉल्व का जो बैक प्रेशर है यहाँ पर आपको शो कर रहा है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 4 to 5 LPM है 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस कम हुआ तो फिर हमारा फ्लो बढ़ गया 7 to 8 LPM, बट अभी भी 15 LPM तक नहीं पहुंचा है क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर है, बट जैसे ही ये चेक वॉल्व क्रॉस करेगा हमारा ऑयल का फ्लो, तो ऑयल का फ्लो यहाँ पर करने के बाद यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे प्रेशर गेज सिर्फ यहाँ पर फ्लो मीटर लगा हुआ मेजर करने के लिए डायरेक्ट टैंक में जा रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं मतलब फुल फ्लो मिलेगा, जो हमारा पंप का फ्लो है वो 15 LPM हमको यहाँ पर मिलेगा। तो आप उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस से हमारा फ्लो कम होता है, मीन्स कि जो प्रेशर आ रहा है, तो जैसे जैसे हमारा अगर फ्लो कम होता है मीन्स कि प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस कम होगा मीन्स प्रेशर बढ़ेगा सॉरी कम होगा तो उस समय हमारा फ्लो बढ़ेगा। अब हम दूसरे यहाँ पर ड्राइंग नंबर 2 में देखेंगे, इसमें देखिए हमने यहाँ पर एक पंप बनाया हुआ है, इसका ये सक्शन पॉइंट है डिलीवरी पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे टैंक से कनेक्ट है, यहाँ से हमारा फ्लो सक कर रहा है, यहाँ पर गेयर कैविटी से भर करके यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, तो जो डिस्चार्ज होगा इसका यहाँ पर अभी डिस्चार्ज होने के बाद जो पाइप का जो हमारा डाया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इनकी पाइप का डाया ज़्यादा है, यहाँ पर पाइप का डाया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो अब देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमारा पंप यहाँ पर फ्लो करना चालू करेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसको कट सेक्शन बनाया हुआ है मीन्स कि पाइप का लंबाई और ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर जो पाइप का जो फ्रिक्शनल और उस पर ऊपर जो भी लोड आ रहा है तो उसके कारण यहाँ पर 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का नॉर्मल कंडीशन में रेजिस्टेंस है मतलब लोड है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हमारा 10 LPM फ्लो हो रहा है, जब हमारा 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है सिस्टम में तब 10 LPM हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया आकर के कम हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, अब समझ लीजिए जैसे एक कोई रास्ता है उसमें 100 लोग एक लाइन में चल रहे हैं, अब यहाँ पर रास्ता आगे से सकरा हो गया, उसकी चौड़ाई कम हो गई, जहाँ पर सिर्फ 20 लोग एक साथ लाइन में चल सकते हैं, तो अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उनमें से 20 लोग ही सिर्फ पार कर सकते हैं, तो 80 लोगों को रुकना पड़ेगा, फिर अगेन 20 लोग, फिर अगेन 20 लोग, और अगर ज़्यादा भीड़ और वैसे ही पीछे है तो कंटिन्यूस वैसा लोड रहेगा ही मतलब वैसा रेजिस्टेंस पैदा ही रहेगा। तो उसी तरीके से उसको हम फ्लो के मैटर में समझेंगे कि यहाँ पर जैसे ही फ्लो आ रहा है 10 LPM का 10 लीटर पर मिनट का, पर जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस पड़ा हमारा रेजिस्टेंस आया यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, अगेन उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ पे हमारा एक्चुएटर्स में जा रहा है, और एक्चुएटर में आगे 100 केजी का लोड यहाँ पर इसके ऊपर दिया हुआ है, 100 केजी के लोड को कैरी करना है। तो इस लोड को कैरी करने के लिए जो भी हमको ताकत लगेगी यहाँ पर, तो उतना प्रेशर जब तक जनरेट नहीं होगा, ताकि मूवमेंट नहीं होगा, उतना प्रेशर जनरेट होने तक यहाँ हमारा मूवमेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ऑयल हमारा जो फ्लो करता रहेगा सिस्टम को प्रेशराइज करने के लिए, तो हमारा यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर 2 kg/cm² का प्रेशर था, तो यहाँ पर अगर 10 kg/cm² आ जाता है और उस कंडीशन में हमारा ये मूव करने लगता है, तो भी हमारा 4 LPM से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया है ये 100 kg के लोड को काउंटर करने के लिए एक्चुएटर में जो ऑयल जा रहा है, प्लस यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अगर दोनों को हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 10 kg/cm² का प्रेशर आ जाएगा, मीन्स कि रेजिस्टेंस आ जाएगा, तब हमारा 4 LPM ही रह जाएगा सपोज। तो इस तरीके से देखिए, जैसे ही हमारा प्रेशर यहाँ पर कम था और LPM हमारा बढ़ा हुआ था, फ्लो ज़्यादा था, और जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस आया, प्रेशर बढ़ गया, वैसे ही हमारा फ्लो कम हो गया, क्योंकि वहाँ पर उसको उतनी ताकत लगेगी उस लोड को दबा करके आगे बढ़ने में, और उस रेजिस्टेंस को पार करके आगे बढ़ने में जो भी ताकत लगेगी, उसके कारण हमारा यहाँ पर फ्लो कम हो जाता है। अब यहाँ 3 नंबर ड्राइंग में देखेंगे, 3 नंबर ड्राइंग में देखिए हमने एक वेंचुरी बनाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, आगे फिर से ओपन है, इसके बराबर ही क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं 5 LPM और इट सेल्फ यहाँ पर रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडीशन में 2 kg/cm² का रेजिस्टेंस, मीन्स की प्रेशर है, और जैसे ही हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, ये फ्लो आगे हो रहा है और हमारा रेजिस्टेंस आया, यहाँ पर हमारा एक ओरिफिश है यहाँ पर, यहाँ क्रॉस सेक्शन जो कम हो गया, उसके कारण यहाँ पर देखेंगे हमारा, अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आया, जो रेजिस्टेंस के कारण मीन्स कि हमारा यहाँ प्रेशर बढ़ा, 5 kg/cm² प्रेशर हो गया, जो कि पहले 2 kg/cm² था। तो हमारा फ्लो यहाँ कम हो जाएगा, जो पहले 5 LPM था, सपोज करिए वो 2 LPM हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब उस रेजिस्टेंस को पार करके जाने में उसको जो ताकत लग रही है ऑयल के बहाव को, उसके कारण उसका ऑयल का बहाव कम हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एरिया कम है, तो यहाँ पर अपने बहने की गति कम है। अब यहाँ पर देखिए आगे फिर से ओपन है, फिर आगे भरपूर उसको जाने के लिए रास्ता है, कोई रेजिस्टेंस वहाँ पर नहीं है, तो नॉर्मल जो हमारा फ्लो का जो नॉर्मल कंडीशन में 2 kg/cm² का रेजिस्टेंस था, प्रेशर था, वही आ रहा है, और उसके साथ ही हमारा फ्लो भी बढ़ गया 5 LPM होने। तो इट मीन्स कि जैसा आप देखे होंगे इस तीनों ड्राइंग्स से जो कंक्लूजन निकला, इसका मतलब ये है, हम इससे ये समझ पा रहे हैं कि जैसे ही हमारा प्रेशर अगर बढ़ता है तो वहाँ पर फ्लो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए जो हमारे तेल के बहाव को ताकत लगती है, उस प्रेशर को पार करने के लिए या लोड को धकेलने के लिए जो भी हमको जो वहाँ पर ताकत लगती है, जो कि प्रेशर हमारा दिखाता है, तो हमारा फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है बहने की, क्योंकि वहाँ पर उसको काउंटर करना पड़ता है उस रेजिस्टेंस को। और जैसे ही हमारा अगर प्रेशर कम होता है, मीन्स कि हमारा रेजिस्टेंस कम हो गया, लोड कम हो गया, तो हमारा फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि फिर उसको काउंटर करने में जो हमारा ऑयल की बहने की गति है, उसको ताकत कम लगती है उस रेजिस्टेंस को काउंटर करने के लिए, तो वो फ्लो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये तीनों ड्राइंग की मदद से कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कुछ डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ और नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।